Hello, welcome back to my channel Swag Hybrid. आज जो हम बना रहे हैं वो है एक बैग बेल्ट जिसमें हम कोई भी रिंग यूज़ नहीं कर रहे और इसके लिए हमें चाहिए एक सीज़र, लाइटर, हेडपिन्स और ये 8 कोर्ड्स जो कि मैंने 2.5 मीटर में कट की हुई है. 1 कोर्ड जो है हमारी वो 2.5 मीटर में कट की हुई है और टोटल ये कोड्स 8 कोड्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. सबसे पहले हमने ये 8 कोड्स लेनी है. और हमने ये 8 कोड्स की यहाँ से हमने 10 to 12 इंचेस छोड़ के एक सिंपल नोट लगानी है. ये नोट आपकी सिंपल नोट है, ये देखिए, देख सकते हैं आप. और उसके बाद हमने ये कुछ इस तरीके से कोड्स को रखना है. ये 2 कोड्स हमने ऐसे ही 4 हिस्सों में कर देनी है, ये देखिए. और उसके बाद हमने 2 कोड्स को ही इन 2 कोड्स के ऊपर रखना है, ये देखिए. ये दोनों कोड्स इस कोड के ऊपर आ गए और ये वाली दोनों कोड्स इस कोड के ऊपर जाएंगी, ये देखिए. और ये वाली दोनों कोड्स इस कोड के ऊपर आ जाएंगी और ये दोनों कोड्स इस फर्स्ट वाली कोड के अंदर चली जाएंगी. ये हमारी बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट आनी चाहिए. ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट कोड कुछ इस तरीके से बनेगी. उसके बाद फिर से हम ऐसे ही इसे रिपीट करते जाएंगे. ये हमने एक कोड के ऊपर दूसरी कोड रख दी, दूसरी के ऊपर तीसरी कोड रख दी और तीसरी के ऊपर चौथी और चौथी हमने फिर से फर्स्ट वाले के अंदर से निकाल लेनी है. ये ध्यान में रखना कि आपकी कोड सीधी ही आनी चाहिए, ऐसे ही, फिर ही इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी, वरना नहीं आएगी. ये देखिए, ये ऐसे ही बनता जाएगा हमारा सारा डिज़ाइन. ये देखिए, ये हमारी ऐसे ही बनता जाएगा डिज़ाइन और हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जितना भी हमें इसका साइज चाहिए वहाँ तक. ये देखिए, 1 कोड को हमने
टू कोड के ऊपर रखना है, टू कोड को हमने थ्री कोड के ऊपर रखना है, थ्री कोड को हमने फोर कोड के ऊपर रखना है और फोर कोड को हमने वन के ऊपर रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन बनता जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे पिन लगा के बता देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखिए ये हमारी फोर कोड्स आ रही है। इस कोड को हमने इसके ऊपर रखना है और इस कोड को हमने इसके ऊपर रखना है और अब इस कोड को उठा के हमें इस कोड के ऊपर रखना है और ये वाली हमारी दोनों कोड्स जो हैं वो इस वाली कोड के अंदर से नीचे की तरफ ऊपर की ओर से नीचे की तरफ आएगी। ये ऐसे ही बनता जाएगा। ये ऐसे ही बनता जाएगा हमारा सारा डिजाइन। ये देखो ये देखिए ये ऐसे ही हमारा सारा डिज़ाइन बनता जाएगा। जितनी भी आपको इसकी लेंथ चाहिए आप उतनी ही बना सकते हैं। मुझे इसकी लेंथ चाहिए 10 इंचेस। ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पे टर्न नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए
ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए हमारी कोई भी कॉर्ड एक दूसरे के ऊपर। ये देखिए, ये ऐसे ही आनी चाहिए हमारी। ये देखिए, ये हमारी 10 inches रेडी हो गई है। ये हमारी जितनी हमें चाहिए थी हमने रेडी कर लिया। मुझे 10 inches चाहिए थी, मैंने 10 inches रेडी कर लिया। अब हमने ये दोनों कोर्ड्स और इस साइड की ये दोनों कोर्ड्स को, ये टोटल हमारी 4 कोर्ड्स को लेके एक स्क्वायर नोट बना देनी है। ये देखिए, हमने एक स्क्वायर नोट बना लिया। और उसके बाद ये जो हमारी एक साइड की 2 कोर्ड्स हैं, इस वाली कोर्ड के ऊपर हमने पाइपिंग करनी है। अब ये वाली कोर्ड लेनी है, इसके ऊपर भी यही ऊपर वाली दोनों कोर्ड्स को हमने पाइपिंग करना है। देखिए, अब इस साइड वाली इस कोड के ऊपर हमने जो हमारी 2 कोड्स रह गई हैं, 2 कोड्स हमारी रह गई हैं, उनको इसके ऊपर हमने पाइपिंग कर देना। अब हमारी ये लास्ट जो कोड बचती है, इसके ऊपर भी हमने इन दोनों कोड्स को पाइपिंग कर देना। ये देखिए, ये हमारी फिर से नीचे ये 4 कोर्ड्स इकट्ठी हो गई और इसकी हमने एक स्क्वायर नोट बना देनी है। ये दोनों कोर्ड्स और ये दोनों कोर्ड्स लेके हमने यहाँ पे भी एक स्क्वायर नोट बना देनी है। इस साइड भी हमने सेम ऐसे ही एक स्क्वायर नोट बना देनी है। ऐसे ही सेम हमने इस साइड भी बनाना है। ये हमने नोट जो है वो खोल देनी है। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने सिंपल स्क्वायर नोट बना के वही वाला डिज़ाइन सेम उसी प्रोसेस से बना देना है। ये देखिए, ये मैंने अपनी बैग बेल्ट जो है वो रेडी कर ली है। बैग हैंडल भी आप बोल सकते हैं इसे। और ये बिल्कुल बिना किसी रिंग की हेल्प से बनेगी और बहुत ही जल्दी भी ये डिज़ाइन जो है रेडी हो जाता है। आप इसे किसी भी हैंडबैग पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा टोटल जो है वो 12 inches to 13 inches हमारा रेडी हो गया है। आप जितना मर्जी से रेडी कर सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए हैंड बैग का हैंडल उसी साइज़ में आप इसे रेडी कर सकते हैं।